it is very important that we reinforce ourselves and our thinking on water. We've been doing that for a number of decades already, and it is lucky that in this subcontinent we were able to come to an Indus treaty that was done in the 50s. We understood the fact that water distribution between countries is important, and we developed a platform where issues can be addressed. At the same time, those years were enough. We thought water was enough, and therefore water conservation never became an issue until it started, particularly in areas where the cities are located. The water scarcity has been increasing regularly. मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों के अंदर इसके अंदर हमने बड़ी कोशिश की है. इनफैक्ट साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको वाटर स्टोरेज के हवाले से बड़ा एक मुहिम भी चलाई, और मैं समझता हूँ कि हर जगह बहुत सारे एरियाज़ हैं जिन पे सब जगह साइमल्टेनियसली काम होना है. हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि वाटर स्टोरेज बढ़ जाए तो हमारे मामला हल हो जाएंगे. इस सारी कहानी के अंदर ग्लोबल वार्मिंग भी आ गई, जिसने एक सारी मशीनरी के अंदर एक और स्पैनर डाल दिया कि सारा मामला गड़बड़ होने का इम्कान है. जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग आई तो इसके अंदर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बिकेम एन इशू. इसके अंदर ये कैफियत हुई कि बारिशों के हवाले से कहीं बहुत ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, और ये परेशानी का बायस है. कुछ रीजन पाकिस्तान के हमेशा से तारीख में हज़ारों साल से, मेरा ख्याल है बलूचिस्तान के अंदर और थरपारकर मिसाल के तौर पर, चुलिस्तान जो डेजर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ बारिश भी कम होती है और पानी की किल्लत भी है. बलूचिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर एक सीरियस इशू है. उसमें नसीराबाद के ज़रिए दरिया का पानी भी जाता है, मगर बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत हुई, और एक बड़ा सीरियस क्राइसिस डेवलप हुआ क्वेटा के अंदर और दूसरी जगहों में पिछले तीन चार साल पहले, दो तीन साल पहले बहुत सीरियस क्राइसिस था. और मैं आपको ये बताऊँ, पानी के साथ सिविलाइजेशन चलती थी. अब ये दूसरी बात है कि पानी पाइप करके ले जाया जा सकता है, मगर अगर दुनिया के बड़े दरिया देखे जाएँ तो नाइल के साथ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, अमेजोन इन साउथ अमेरिका, उसके साथ सिविलाइजेशन यूरोपियन सिविलाइजेशन डैन्यूब के साथ, और टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के साथ मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, और इस एरिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो दरिया के साथ और पानी के साथ डेवलप हुई. मेहरगढ़ मिसाल के तौर पर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा. और आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो पानी का सिस्टम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, इस आज के हवाले से भी सोफिस्टिकेटेड, कि दरिया से पानी आता था, हर घर में चैनल था पानी, हर घर में, और ड्रेनेज भी हर घर से बाहर जाती थी. और अचानक वो सिविलाइजेशन गायब हो गई. कोई हमले की तारीख नहीं है, कोई हथियार वहाँ नहीं मिलते, मगर क्यों गायब हो गई? क्योंकि दरिया ने रुख बदल लिया. तो लिहाजा पुराने वक्तों में तो सिविलाइजेशन पूरी की पूरी दरिया के साथ चलती थी, और अभी भी मुझे ख़तरा ये हो जाता है कि मिसाल के तौर पर क्वेटा, अगर पानी की इतनी शदीद किल्लत हो जाए कि 1000 फीट नीचे जाकर पानी मिले तो कितनी देर निकाला जा सकता है. तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इसके वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट की दो तीन सिंपल चीज़ें भी हैं. मज़ीद रिसर्च आप करते रहें, मगर जितनी रिसर्च हुई भी है वो भी तो एक डायरेक्शन देती है, बड़ा सीधा साधा, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं. वो भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करें और मज़ीद रिसर्च की तरफ हम तवज्जो दे लें तो वो गैर मुनासिब सी बात होगी. एक बर्डन जो है हम हाथ आज से हटाकर, रिसर्च जब आएगी जब देखा जाएगा. तो एग्रीकल्चर के अंदर बेइंतहा ज़रूरी है, बड़ी सिंपल चीज़ है. आपने सुना होगा कि बाज़ ममालिक वाटर सीरियसली वाटर स्केर्स थे, इसराइल मिसाल के तौर पर, उनने सिस्टम्स डेवलप किए, ड्रिप इरीगेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हमारे यहाँ अभी भी मेजॉरिटी ऑफ फार्मिंग जो है वो फ्लड इरीगेशन से हो रही है. इट्स अ ट्रिमेंडस वेस्ट ऑफ वाटर, यानी कि अगर 6 इंच नीचे पानी चाहिए आपको, 6 इंच तक सॉइल के अंदर, तो आप इधर से फ्लड करेंगे तो खेत के आखिर में 6 फुट नीचे से पानी चलते चलते फिर 6 इंच तक पहुँचेगा, तो एक तरफ 6 फुट तक जाएगा पानी ज़मीन के अंदर, विच इज़ अ टोटल वेस्ट.
तो ये तो लो हैंगिंग फ्रूट है ना, इसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो स्प्रिंकलर इरिगेशन कर लें या ड्रिप इरिगेशन कर लें, लो हैंगिंग फ्रूट। द गवर्नमेंट शुड मेक सीरियस एफर्ट्स कि ये आसानी से अवेलेबल हो जाए ये चीज़ें, और फार्मर को भी। मगर एक और कवाहत है इसके अंदर, फार्मर को अगर पानी मुफ्त मिलता है तो उसको कंजर्वेशन का कोई ख्वाहिश उसके अंदर से नहीं निकलेगी, जो पानी आ ही रहा है आता रहा, मैं क्यों बचाऊं भाई, व्हाई शुड आई स्पेंड। तो लिहाजा गवर्नमेंट पॉलिसी इस पर भी चाहिए कि पानी की कुछ प्राइसिंग करें ताकि जिम्मेदारी का एहसास हो। मैं नहीं चाहता हूं कि कीमतें बढ़ जाएं चीज़ों की, हर चीज़ में जब प्राइसिंग का डालते हैं तो बड़ा खौफनाक सी कैफियत आती है कि पता नहीं क्या क्या चीज़ बढ़ जाए। सिर्फ इतना कि उसको दूसरे टैक्सेस में रिलीफ कर कर वाटर प्राइसिंग, ताकि वो एहतियात के साथ पानी इस्तेमाल करें। जब मैं कराची के अंदर छोटा था तो हमारे यहाँ वाटर मीटर्स थे और पढ़े जाते थे और देखे जाते थे, उसके बाद ज़माना आया मुफ्त पानी का तो वेस्ट भी बहुत होता है। तो लिहाजा कोई ना कोई सोच पैदा करने की करनी पड़ेगी कि पानी की मीटरिंग और प्राइसिंग भी हो जाए ताकि कंजर्वेशन चले। एग्रीकल्चर के अंदर मिसाल के तौर पर ड्रिप की बात की, स्प्रे की बात की, हाइड्रोपोनिक इरिगेशन इज़ ग्रोइंग ऑफ फूड इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मगर इट इज़ एनर्जी इंटेंसिव। एनर्जी के साथ एक ज़माना था कि जब आप पानी के स्टोरेज की बात करते थे तो डैम्स जस्टिफाइड थे कि एनर्जी भी मिल जाएगी। आज जो एनर्जी है वो डैम से सस्ती सोलर में मिलेगी, डैम से सस्ती विंड में मिलेगी, तो वो आर्गुमेंट जो था पानी के स्टोरेज का कि बिजली भी मिलेगी हाइड, तो वो अब इतना नहीं रहा कि बड़े बड़े डैम्स बनाए जाएँ। अलबत्ता बलूचिस्तान के अंदर मैं आपको आगाह करूं कि अभी कोई दो हफ्ते पहले जब मैं गया था तो सारे पॉलिटिशियंस सेटिस्फाइड इस बात पर थे कि छोटे डैम्स सैकड़ों की तादाद में बलूचिस्तान में बन रहे हैं। दिस इज़ द नीड, दिस इज़ द पॉलिसी ट्रांसलेटिंग टू द ग्रास रूट्स। तो वो मुतमईन है कि जो पानी का एक्विफर्स के अंदर बारिश के पानी को बजाय इसके कि वो कहीं और जज्ब हो जाए नीचे आते आते या समुद्र में मिल जाए, कम से कम अपने एरिया के अंदर छोटे छोटे डैम्स वो पानी स्टोर कर सकें। मगर एक और चीज़ है, जब भी मैं क्वेटा जाता हूँ मिसाल के तौर पर, तो मैं उनसे कहता हूँ कि रिसाइकिल क्यों नहीं करते। द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेटा फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ 20 million gallons पर डे, तो रिसाइकिल करें। अच्छा, सिंगापुर मिसाल के तौर पर दोनों किस्म की रिसाइकिलिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, एज वेल एज वाटर फॉर अदर पर्पसेस। हमारे यहाँ कराची के अंदर भी प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं जिसके अंदर इंडस्ट्री को फीड करना रिसाइकल्ड वाटर का विल बी मच चीपर। यूजुअली द कॉस्ट ऑफ वाटर टू कराची इज़ अबाउट, क्योंकि रिवर वाटर पर जब हमारा क्लेम है तो 20 पैसे 25 पैसे रिवर वाटर की कॉस्ट है, जब आप रिसाइकिल करेंगे फॉर इंडस्ट्री तो 30 पैसे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर उसी को पोर्टेबल बनाएंगे तो 50-60 पैसे उसकी सेम वाटर को पोर्टेबल बनाने जाएंगे। तो इफ़ डोंट कैच मी ऑन फिगर्स, फिगर्स आर अप्रॉक्सीमेट है ना, मगर इस बात का इम्कान है कि रिसाइकिल पानी को करें। अच्छा, फिर ये भी हो कि अवाम भी समझे इसकी कीमत को और इसके इसको इसका एहसास हो। हमारी तारीख, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी की कंजर्वेशन का यहाँ तक कहा कि अगर दरिया के साथ भी वजू करो तो एहतियात करो। तो दैट मीन्स पानी इज़ अ नेचुरल रिसोर्स जिसके अंदर हमें इस चीज़ की एहतियात करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ क्लीन वाटर मिल जाना हमारी सेहत पर भी बेहतर असर होगा। क्लीन वाटर हर जगह पर, इस बात का इम्कान है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ ख़राब पानी की वजह से भी चलती हैं, तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम। मैं समझता हूँ कि मैं अब मेरे कुछ रिश्तेदार हिंदुस्तान में हैं, तो मैं जब लास्ट टाइम गया तो मेरा जो कज़न था जो घर बना रहा था दिल्ली में, उसने मुझसे ये कहा कि जी मेरी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि कानूनन मुझे जो बारिश का पानी है वो सड़क पर नहीं छोड़ना, हर घर के अंदर एक वेल खोदना है ताकि पानी जो है वो सबटेरेनियन चला जाए। तो दिल्ली के अंदर मिसाल के तौर पर पिछले 20-25 साल से ये कंपल्शन है कि जो बारिश का पानी है वो सड़कों के ज़रिए हैवॉक क्रिएट करता हुआ ना जाए,
बल्कि आप अपने यहाँ इसको हैंडल कर लें। तो बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हो सकते हैं जो घरों के अंदर प्रैक्टिस किए जाएँ वाटर कंजर्वेशन के हवाले से। और जैसे जैसे आप वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे तो आपके ऊपर जो स्ट्रेस बढ़ रहा है पानी का, कम से कम उसको मैनेज कर लेंगे। अगली नस्ल के लिए मत छोड़िए। अगर आज पीने का पानी थोड़ा बहुत काफ़ी है तो ये भी होता है कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें हम डिले नहीं करें। ये अर्जेंट काम है, बेइंतहा ज़रूरी है कि पानी की सिक्योरिटी आपकी रहे। लाइनिंग ऑफ वाटर कैनाल मेरा ख्याल से एक फ़लसफा है जो बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। सबटेरेनियन वाटर, मिसाल के तौर पर पंजाब तकरीबन 12 मिलियन एकड़ फीट पानी से निकालता, वो ज़मीन के जरिए अंदर से निकालता है, मगर उसके जो इफ़ेक्ट्स हुए हैं सोडिक सॉइल के हवाले से, वो भी इट्स इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि इन चीज़ों को भी तवज्जो दे ली जाए और कर लिया जाए। तो लिहाजा वाटर मैनेजमेंट ऑफ विद एग्जिस्टिंग अवेलेबल रिसर्च, देयर इज़ अ लॉट टू डू। हम उसमें भी 10% पर पहुँचे होंगे, अवेलेबल रिसर्च हमें 90% आगे तक ले जा सकती है, और फर्दर रिसर्च ऑफ कोर्स विल ऑलवेज डू बेनिफिट्स। तो विद दीज दिस इज़ अ मेजर कंसर्न। मैं पिछले दिनों बड़ा मैं परेशान था कि ग्लोबल वार्मिंग में पानी का क्या होगा, तो मैंने पिछला इकोनॉमिस्ट जो पढ़ा तो उसके अंदर मुझे ये तसल्ली ज़रूर हुई कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग आएगी होगी तो पानी की रिटेंशन इन द एटमॉस्फेयर बढ़ जाएगी। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा समंदर से और एटमॉस्फेयर के अंदर रिटेंशन पर स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाएगी। उसके अंदर ये तो तसल्ली की बात है कि पानी अल्लाह ताला का सिस्टम जो है वो उसको भी कॉम्पनसेट कर लेगा कि देयर इज मोर वाटर इन द एयर। एट द सेम टाइम उसका ये प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कि कहाँ वो अचानक सैलाब आएगा और कहाँ बिल्कुल ड्राई होगा। अलबत्ता वाटर इन द एयर विद ग्लोबल वार्मिंग, वाटर वेपर इन द एयर विद ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुबारकबाद के साथ फॉर थैंकिंग द IWMI एंड द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एक्सेलेंसीज ऑल ऑफ यू। दिस इज एन इशू ऑफ मेजर कंसर्न एंड व्हेनेवर आई स्पीक ऑफ द फैक्ट के व्हाट कैन आई डू सो एंड व्हाट कैन वी डू सो आई एम देयर, माय सर्विसेज आर देयर, व्हाट कैन वी डू टू मेक इमीडिएट चेंजेस इन सर्टेन एरियाज। आपकी वाटर पॉलिसी 2018 की फ्रॉम व्हाट आई नो इज गुड, इट इज़ एक्सेप्टेबल अक्रॉस द बोर्ड। जाहिर है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आप करते रहेंगे वक्त के साथ, मगर उसी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, इट वॉज अ प्लेजर टू बी हियर।